इरफान को पैसों के लेन देन में हुआ विवाद, विवाद के दौरान हुई मारपीट, मारपीट के बाद कई राउंड चली गोली, गोली चलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, फायरिंग कर दबंग मौके से हुए फरार। स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को मौके स्कूटी के साथ पकड़कर पुलिस के किया हवाले। 3 लाख रुपए के लेन देन की बात पुलिस ने स्कूटी और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले गई। थाने काकादेव थाना क्षेत्र के सरगोधे नगर होटल का मामला, जनपद कानपुर से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? मेरा शीतल गुप्ता के नाम से, शीतल गुप्ता से एक पैसे का लेन देन था और जिसमें कि मैं बराबर पैसा देता चला आया और आज अचानक हमारे ऊपर हमला इसलिए किया कि पैसे का वो दबाव मेरे ऊपर, एक उसे देने की कोशिश कह रहे थे कि हमको कुछ पैसा दे दिया जाए। कल मेरे घर पे भी जा करके उन्होंने विवाद करी, गाली गलौज करी। आज हमारे ऊपर कुछ 10-15 लोगों के साथ आ करके और मारपीट या समझौते की बात करते करते एकदम उत्तेजित हो गए और गोली चला दी। कौन थे वो लोग और कितना पैसे का लेन देन है आपका? ये 1.5 लाख रुपए का मामला है। शीतल गुप्ता और मुकेश तिवारी दो लोग, उनके साथ जो लोग थे मनका नाम है। ये पैसा कब दिया गया था आपको? यही हमको कोविड के बाद हमने लिया अपने व्यापार को चालू करने के। ठीक है, इसमें मुकेश तिवारी से मुझको खुद 1.5 लाख रुपए लेना था लेकिन एक आपसी समझौते के नाते ये हुआ चलो एक व्यापार चालू करते हैं। कोरोना के बाद में मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता हूँ तो उसको मैंने तब चालू करने के लिए उनसे पैसा एक आपसी उसमें लिया गया। 5% ब्याज पे हमको शीतल गुप्ता ने दिया और शीतल गुप्ता को देने के बाद 10 महीने 11 महीने लगातार मैं ब्याज पहुँचने के बाद में आज ये हरकत ये कि अब एकदम से रुपया वापस करा गया। क्या इस मामले में कोई तहरीर दी गई थाने में? जी हाँ, मैंने आज तहरीर दे दी। किसके नाम से दी गई है? अपने नाम से, शीतल गुप्ता और मुकेश तिवारी के नाम से आज तहरीर दी हुई है। क्या घटना हुई थी? थाना काकादेव क्षेत्र में दो पक्षों को के बीच में पैसा को लेन देन के बीच लेकर आपसी विवाद हुआ था और मौके में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। वो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तत्काल थाना काकादेव की पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद रही और मेरे द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटना पंजीकृत किया जा रहा है। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? क्या प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों के बीच में आपसी पैसा को लेन देन का विवाद था और इसी जब उनका विवाद सेटल नहीं हुआ तो दूसरे पक्ष द्वारा फायरिंग की थी। सर किसी को फायरिंग? अभी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की एग्जामिनेशन की जा रही है, फील्ड यूनिट भी आ रही है और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया? अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज हम डिटेल में देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे।